नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर फिल्म 2020 में आपका स्वागत है। मिसलेनियस करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 13वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम जून महीने के मिसलेनियस करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आरोग्य पथ के बारे में है। ये क्या है? ये देखो, एक पोर्टल है, वेबसाइट है जो कि डेवलप की गई है CSIR के द्वारा। इस वेबसाइट पे ना हमारे देश में जो क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज हैं उनके बारे में जानकारी होगी, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स, ड्रग्स या फिर PPE किट्स, मास्क, इन सब की अवेलेबिलिटी के बारे में जानकारी होगी इस वेबसाइट पर जिसका नाम है आरोग्य पथ। अभी क्या है, COVID-19 की महामारी के कारण कुछ जगहों पर क्रिटिकल हेल्थ सप्लाईज की कमी हो जाती है, तो इस वेबसाइट पर जाके देखा जा सकता है कि कहाँ पे कितनी अवेलेबल हैं ये क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज, और फिर आसानी से सोर्स की जा सकती है, खरीदी जा सकती है, प्रक्योर की जा सकती है। समझ गए? मतलब एक जगह पे क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज के बारे में जानकारी होगी तो देश के किसी हिस्से में कमी होने पर जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी कि कहाँ से खरीदी जा सकती है, प्रक्योर की जा सकती है PPE किट्स या फिर दूसरी मेडिकल सप्लाईज। नेक्स्ट आर्टिकल एंटीफा के बारे में है। एंटीफा का पूरा नाम है एंटीफासिस्ट। क्यों न्यूज़ में है ये ऑर्गेनाइजेशन? देखो, US में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद प्रोटेस्ट चल रहा है। ऑलमोस्ट पिछले एक हफ्ते से US में अनरेस्ट है, तो कुछ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस आरोप लगा रही हैं कि एंटीफा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटीफासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ा रोल प्ले कर रही है US में वायलेंस फैलाने में। तो US के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी धमकी दे दी कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिनेट करेंगे। तो एंटीफा के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, ये अपने आप में कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, काफ़ी सारी लेफ्ट मूवमेंट्स के लिए। काम इस एंटीफा ऑर्गेनाइजेशन का या फिर मूवमेंट का ये है नियो नाजीज को और वाइट सुपरमेसिस्ट को रेसिस्ट करना। नियो नाजी कौन लोग होते हैं? देखो, वैसे तो सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर की डेथ हो गई थी। हिटलर नाजी आइडियोलॉजी को इम्पोज करना चाहते थे वर्ल्ड पर, लेकिन हिटलर की डेथ के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो नाजी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इस आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, जबकि ये जो आइडियोलॉजी है प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के अगेंस्ट हैं। जैसे कि जो आर्यन रेस हैं वो प्योर रेस हैं, बाकी की रेसेस प्योर नहीं हैं। जर्मनी में रहने वाले लोग या फिर इंग्लैंड में रहने वाले लोग या फिर कुछ और लोग, उस समय की बात हम कर रहे हैं, वो लोग आयरन रेस से संबंध रखते हैं और वो लोग प्योर रेस वाले हैं। इस प्रकार की बातें नाजी आइडियोलॉजी के द्वारा कही जाती थी। और वाइट सुपरमेसिस्ट वो लोग होते हैं जो बोलते हैं, मानते हैं कि वाइट जो है बाकी रेसेस के अपेक्षाकृत सुपीरियर हैं, तो वाइट्स को बाकी रेसेस के ऊपर डोमिनेट करना चाहिए। तो इस प्रकार की आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट काम करती है एंटीफा। हिस्ट्री की बात करें, कुछ लोग तो देखो ये भी बोलते हैं, इवन जर्मनी में जब नाजीज्म आया था तब से ही ये एंटीफा यानी एंटी फासिस्ट जो मूवमेंट है वो जारी है। मेंबरशिप की बात करें, कोई औपचारिक स्ट्रक्चर तो है नहीं एंटीफा का, अलग अलग मूवमेंट्स से मेंबर्स जो हैं ड्रा करती हैं ये मूवमेंट। जैसे देखो, 2011 में US में एक मूवमेंट चली थी, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। उस मूवमेंट का मकसद ये था विरोध करना वर्ल्ड में जो असमानताएं इमर्ज हो रही हैं इनकम के मामले में, इसका विरोध करना। डेमोक्रेसी है नहीं वर्ल्ड में सही मायनों में, इसका विरोध करना। तो इसको कहा गया था ऑक्यूपाई मूवमेंट, ये US में आई थी 2011 में। इसके अलावा ब्लैक लाइव्स मैटर, ये ऐसी मूवमेंट है जो कि हाईलाइट करती है इस इशू को कि ब्लैक्स के अगेंस्ट किस प्रकार से सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इस प्रकार की जो मूवमेंट्स हैं वहां से मेंबरशिप ड्रा करती है एंटीफा। ये अपने आप में ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंटीफा के जो मेंबर्स हैं। वैसे देखो, जब किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो मास्क पहनते हैं, काले रंग की ड्रेस में आते हैं,
इस प्रकार के इश्यूज इनके द्वारा उठाए जाते हैं, जैसे LGBTQ, एंटी कैपिटलिज्म, इंडिजिनस राइट्स। और एंटीफा की जो प्रेजेंस है सिर्फ USA में नहीं है, काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी हैं। जब से US में ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, चूंकि ट्रंप देखो राइट आइडियोलॉजी के आइडियाज़ में बिलीव करते हैं, तब से इस मूवमेंट ने जोर पकड़ा है USA में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आर्सेनिकम एल्बम 30 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो ये एक होम्योपैथिक ड्रग है, इसके बारे में काफ़ी डिबेट चल रही है। क्यों? क्योंकि काफ़ी स्टेट्स और आयुष मिनिस्ट्री इस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रही है, रेकमेंड कर रही है लोगों को कि आप COVID-19 के अगेंस्ट प्रिवेंशन के लिए ये ड्रग ले सकते हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अभी WHO ने सर्टिफाई नहीं किया है, कोई सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो कैसे आप इस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकते हो? कैसे बनती है ये ड्रग आर्सेनिकम एल्बम? देखो आर्सेनिक जो एक मेटल होता है, इसको डिस्टिल्ड वाटर में गर्म किया जाता है। डिस्टिल्ड वाटर देखो वो वाटर होता है जिसे पहले बिल्कुल उबाल के वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में एक अलग से कंटेनर में उसे कंडेंस किया जाता है, तो ऐसे पानी को कहा जाता है डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर के साथ आर्सेनिक को गर्म किया जाता है कई बार 3 दिनों तक, तब जाके ये आर्सेनिकन एल्बम 30 बनता है। जैसा आपको पता है, काफ़ी बार हम डिस्कस भी करते हैं, पानी में अगर देखो आर्सेनिक का कंटामिनेशन होता है तो इससे बॉडी को काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं अगर उसी पानी को कंज्यूम किया जाता है। इसके साथ साथ अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है बॉडी का इस मेटल के अगेंस्ट, तो इससे स्किन कैंसर हो सकता है, पल्मिनरी या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि आप आर्सेनिकन एल्बम 30 रेकमेंड कर रहे हो, इससे बॉडी को नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो होम्योपैथ ड्रग हैं इसमें आर्सेनिक की मात्रा 1% से कम है, और माना यह जाता है कि आर्सेनिकम एल्बम इसका इस्तेमाल हो सकता है बॉडी में जलन को कम करने के लिए। इसके अलावा एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, कोल्ड, अल्सरेशंस और बर्निंग पेन्स, इन सब की ट्रीटमेंट के लिए भी आर्सेनिकम एल्बम को यूज़ किया जाता है। COVID-19 की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कहती है कि आप खाली पेट 3 दिनों तक डोज लीजिए आर्सेनिकम एल्बम 30 की, इससे आप प्रिवेंशन सिक्योर कर सकोगे COVID-19 इन्फेक्शन के अगेंस्ट। यहाँ पर देखो ये जो प्रोफाइलेक्टिक वर्ड है, इसका मतलब होता है रोग निरोधी, यानी रोगों का निदान करने वाली मेडिसिन। कंसर्न ये है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, WHO ने अभी तक कोई गाइडलाइन इशू नहीं किया है इस ड्रग के ऊपर, और अभी तक कोई ऐसा एविडेंस भी सामने नहीं आया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सोन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एक मूवी नागालैंड में रिलीज हुई है जिसका नाम है एक्सोन। एक्सोन जिसे अखूनी भी कहा जाता है, ये सोयाबीन की एक डिश है। एक्सोन का इस्तेमाल होता है अचार बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए, इसके अलावा चिकन, बीफ, पोर्क, फिश, इन सब की करी बनाने के लिए। इसे एज ए इंग्रेडिएंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है कोई डिश बनाने के लिए, और एज ए मसाले के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ और इन्फॉर्मेशन है, वैसे तो देखो काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, इसके अलावा साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी। अलग अलग जगहों पर नाम भी अलग अलग हैं, लेकिन नागालैंड में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है एक्सोन का, खास करके सुम्मी ट्राइब के लोगों के द्वारा, जो अपने हर एक मील में एक्सोन का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन पेज होता है ना, उस पेज पर एक्सोन के बारे में डिटेल से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसलिए हमने इसे डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल डोमेस्टिकेशन ऑफ चिकन के बारे में है। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालतू बनाना। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में साइंटिस्ट के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की गई
जिससे हमें और ज़्यादा डिटेल्स का पता लगता है। चिकन का डोमेस्टिकेशन कब हुआ, मतलब चिकन को शुरुआत में कब पालतू बनाया गया। देखो, अभी तक विश्वास ये किया जाता था, चिकन को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया इंडस वैली में और नॉर्दर्न चाइना में। चार्ल्स डार्विन के अनुसार 4000 BC में एक सिंगल एंसेस्टर रेड जंगल फाउल, ये स्पीसीज हैं चिकन की, इसी से शुरुआत होती है चिकन के डोमेस्टिकेशन की इंडस वैली में। लेकिन अभी जो स्टडी कंडक्ट हुई इसमें 863 यानी 863 चिकन्स के जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई और इसमें चिकन की काफ़ी सारी स्पीसीज को इन्वॉल्व किया गया। जैसे देखो, गालस वंश के 4 स्पीसीज, रेड जंगल फाउल की 5 सब स्पीसीज, या फिर अलग अलग चिकन की और भी स्पीसीज, इन सब के जीनोम की सीक्वेंसिंग हुई। और ये पता लगता है स्टडी से कि चिकन का डोमेस्टिकेशन सबसे पहले नॉर्दर्न साउथ ईस्ट एशिया में और साउदर्न चाइना में होता है, ना कि इंडस वैली में और नॉर्दर्न चाइना में। मैं फिर से बोलता हूँ, नई स्टडी के अनुसार सबसे पहले डोमेस्टिकेशन होता है चिकन का साउथ वेस्ट चाइना, साउदर्न चाइना, नॉर्दर्न थाईलैंड और म्यांमार में। तो ये हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ चिकन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल FSSAI फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019-2020 से संबंधित है। FSSAI का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देखो, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में। एक एक्ट है, एक्ट का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। इसी एक्ट के अंतर्गत ये बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी। मकसद क्या है, ये बॉडी फूड सेफ्टी को इंश्योर करने की दिशा में काम करती है ताकि पब्लिक हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। अच्छा, आप एक बात बताइए, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये बॉडी? देखो, ये ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। नाम से थोड़ा कन्फ्यूजन आ सकता है एग्जाम में। मान लीजिए इस प्रकार का कोई ऑप्शन हो, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, तो एग्जाम में वैसे ही बर्डन ज़्यादा होता है, तो जल्दबाजी में लग सकता है जैसे फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये बॉडी आती है। लेकिन नहीं, मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस बॉडी को हेड किया जाता है एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को द्वारा, जिसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं इस बॉडी के, उनकी रैंक सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से ऊपर होनी चाहिए। तो ये तो हमने जल्दी से इस बॉडी के बारे में डिस्कस कर लिया। हमारा आज का आर्टिकल इस इंडेक्स के बारे में है, फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019-2020। इस इंडेक्स में विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है 5 पैरामीटर्स के आधार पर: ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, बिसाइड्स कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। जिस स्टेट ने फूड सेफ्टी के क्षेत्र में अच्छा काम किया उस स्टेट को ऊपर की रैंक और वाइस वर्सा। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के मौके पर ये रैंकिंग रिलीज की गई। और देखो, ये दूसरा साल था कि फूड सेफ्टी इंडेक्स की रैंकिंग जारी की गई FSSAI के द्वारा। पिछली बार, पहली बार इस प्रकार की रैंकिंग जारी की गई थी। इस बार की थीम है फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। बात करें किसको अच्छी रैंक मिली है इस साल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन्होंने देखो बड़े स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किया है, मतलब इन राज्यों ने अच्छा काम किया है फूड सेफ्टी को इंश्योर करने में। छोटे राज्यों की बात करें, गोवा का पहला स्थान है, उसके बाद मणिपुर, इसके बाद मेघालय। यूटीज की बात करें, चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान आइलैंड से इन्होंने टॉप स्थान प्राप्त किया है। इस बार की ये रैंकिंग जो है, ये देखो उनको डेडिकेट की गई जो सप्लाई चेन में इन्वॉल्व हैं और COVID-19 की महामारी के बावजूद जिन्होंने सेफ फूड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019-2020 के बारे में, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हर्बल रोड प्रोजेक्ट्स से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर का
रोड ऐसे डेवलप किया जाएगा, हर्बल बेल्ट होगा क्या, कुछ नेशनल और स्टेट हाईवेज के स्ट्रेच को सिलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए, एक सेकंड रुकिए, ये नेशनल हाईवे का स्ट्रेच सिलेक्ट कर दिया गया, तो रोड के दोनों ओर जो हर्बल प्लांट्स या फिर मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, उनको उगाया जाएगा दोनों ओर। इसके देखो काफ़ी सारे फायदे होंगे, एक तो रोड्स का ब्यूटिफिकेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, जो सॉइल इरोजन होता है वो नहीं होगा, बट इसके साथ साथ हवा में जो बैक्टीरियाज या फिर दूसरे हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो भी दूर रहेंगे रोड से, और रॉ मटेरियल भी मिलेगा कई सारे ड्रग्स के लिए। तो 800 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के स्ट्रेच पर ये सारे पेड़ उगाए जाएंगे, पीपल, नीम, सहजान, इसके अलावा ब्राह्मी, अश्वगंधा, जथ्रोफा। यूपीएससी देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकती है, ये ऐसे सारे नाम दिए हों, ब्रह्मी, अश्वगंधा, जथ्रोफा, सहजान, इनमें क्या कॉमन है, क्या ये सारे जो प्लांट्स हैं इनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, या फिर इन सभी प्लांट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए फर्टिलाइज़र, ऐसे ऑप्शंस दिए हो सकते हैं। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या कॉमन चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन सब प्लांट्स को एक सूत्र में पिरोती है। बाकी तो यही है। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। सरकार ने हाल ही में अपना पहला गैस एक्सचेंज लॉन्च किया जिसका नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज। इस गैस एक्सचेंज पर नेचुरल गैस की डिजिटल ट्रेडिंग हो सकेगी, मतलब बायर्स और सेलर्स नेचुरल गैस को ट्रेड कर सकेंगे इस गैस एक्सचेंज की सहायता से, ना सिर्फ स्पॉट मार्केट में बल्कि फॉरवर्ड मार्केट में भी। डिफरेंस क्या है स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में? देखो स्पॉट मार्केट में एसेट्स को बेचा और खरीदा जाता है, ऑन द स्पॉट डिलीवरी होती है, मतलब करंट प्राइसेस पर एसेट्स को खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन फ्यूचर मार्केट्स में तय हो जाता है, मान लीजिए आज 17 जून है तो अभी तय हो गया कि हम 20 जून को या फिर 30 जून को फाइनली ट्रेड करेंगे, इतनी क्वांटिटी में ट्रेड होगा और इतने प्राइस पर ट्रेड होगा, मतलब काफ़ी दिनों पहले ही तय कर लिया जाता है कि हम इस प्राइस पर ट्रेड करेंगे और इतनी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। ये होता है फ्यूचर मार्केट में, और स्पॉट मार्केट में उसी समय ट्रेड हो जाता है, उसी समय डिलीवरी हो जाती है करंट प्राइस पर। तो बायर्स और सेलर्स दोनों मार्केट्स में ट्रेड कर सकेंगे इस गैस एक्सचेंज में। हमारे देश में जो गैस हब्स हैं, दहेज, हजीरा, ये गुजरात में है, काकीनाडा ये आंध्र प्रदेश में है, तीनों हब्स में नेचुरल गैस की ट्रेडिंग हो सकेगी। आमतौर पर नेचुरल गैस की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट जब कोई होता है तो उसकी टाइमलाइन 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में होती है, लेकिन ये जो इंडियन गैस एक्सचेंज है ये देखो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स भी अलाउ करेगा, जैसे डिलीवरी 1 दिन के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर। फ़ायदे क्या होंगे इस इंडियन गैस एक्सचेंज के? एक तो देखो नेचुरल गैस की प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, बायर्स और सेलर्स जो हैं उनको एक दूसरे को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस गैस एक्सचेंज की सहायता से बायर और सेलर आपस में ट्रेड कर सकेंगे। नेक्स्ट, हमारी एनर्जी बास्केट में नेचुरल गैस का जो शेयर है वो भी इंक्रीज होगा, तो ये सब फायदे होंगे इस गैस एक्सचेंज के। आर्टिकल इंडियन मोबाइल पेमेंट मार्केट रिपोर्ट 2020 से संबंधित है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है? S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा। इस रिपोर्ट में कुछ खास तो नहीं है, ये बोला गया है 2019 में पहली बार ऐसा हुआ ये जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो ATM की कैश ट्रांजैक्शन से ज़्यादा हुई। मैं फिर से बोलता हूँ, पहली बार ऐसा हुआ मोबाइल पेमेंट्स या फिर कार्ड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ज़्यादा हुई एज़ कंपेरिजन टू ATM से जितना कैश विड्रॉ किया गया। मान लीजिए 2019 में टोटल हमारे देश में सभी ATM से कैश विड्रॉ किया गया 100 यूनिट्स, तो इससे ज़्यादा 120 यूनिट्स कैश ट्रांजैक्शंस हुई मोबाइल से और कार्ड से। तो हम जो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसी का ये नतीजा है, पहली बार ऐसा हुआ ATM विड्रॉल से ज़्यादा तो मोबाइल पेमेंट से और कार्ड से ट्रांजैक्शंस हुई। लीड किसके द्वारा किया जा रहा है? गूगल पे और फ़ोनपे, ये दो एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा चलती हैं।
टोटल जितनी भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुई 2019 में, दो तिहाई तो इन्हीं एप्लीकेशंस पे हुई। टोटल 7 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई इन दो एप्लीकेशंस पर। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल योग डे 2020 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हर साल 21 जून का जो दिन है वो इंटरनेशनल योग डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2015 में, क्योंकि 2014 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा रेजोल्यूशन में ये अडॉप्ट किया गया था कि 21 जून का जो दिन है वो इंटरनेशनल योग डे के रूप में ऑब्जर्व किया जा सकता है। थीम है इस बार की योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। वैसे देखो WHO का जो ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन फिजिकल एक्टिविटी 2018 से 2030 है लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें योग भी एक टूल है। योग की सहायता से भी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है, ऐसा WHO ने माना है। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, योग को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में डाला गया है 2016 में। इंटरनेशनल योग डे जिस दिन होता है उस दिन देखो समर सोल्स्टिस भी होता है, मतलब साल का सबसे लंबा दिन। इस दिन अर्थ का जो नॉर्दर्न पोल होता है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, www.ai.gov.in। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने IT इंडस्ट्री के साथ मिलके ये नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। किसके द्वारा ये पोर्टल ऑपरेट किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंतर्गत एक डिवीज़न है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न। ये देखो IT इंडस्ट्री की तरफ से नासकॉम के साथ मिलके इस पोर्टल को ऑपरेट करेगी। इस पोर्टल पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित आर्टिकल्स, कैसे फंड्स जुटाए जा सकते हैं, रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित हर एक तरह की इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर जाके एक्सेस की जा सकेगी। पोर्टल इंपॉर्टेंट केस स्टडीज को शेयर करेगा, रिसर्च रिपोर्ट्स को शेयर करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, इवन डॉक्यूमेंट्स को भी शेयर करेगा। नई जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी इस पोर्टल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की 49th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। किसकी अध्यक्षता में? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल की चेयरमैनशिप में। हम इस काउंसिल की बात करें, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि आती है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत। ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव क्या है इस नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का? देखो ये नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में प्रोडक्टिविटी कल्चर को प्रमोट करने के लिए। ये इस्टाब्लिश हुई थी 1958 में। टोक्यो बेस्ड एशिया की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, विभिन्न देश मेंबर हैं टोक्यो बेस्ड इस ऑर्गेनाइजेशन के, इंडिया भी फाउंडर मेंबर है। तो इसी एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का एक घटक है, पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ये एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उद्देश्य इस काउंसिल का किसी प्रकार का प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल सत्यभामा पोर्टल के बारे में है। देखो वैसे तो सरकार समय समय पर इस प्रकार के जो पोर्टल्स हैं वो लॉन्च करती रहती हैं, और अगर हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखें तो अभी तक ऐसा कोई पर्टिकुलर पोर्टल के बारे में UPSC ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन जब हम करंट अफेयर कवर करते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है
ना सिर्फ पास्ट को देखते हुए बल्कि फ्यूचर को देखते हुए भी चला जाए, ताकि आप किसी भी प्रकार की चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हो, तो ये पोर्टल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए कि किस इश्यू पर पास्ट में यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जरूर डेवलप होनी चाहिए। सत्यभामा पोर्टल के बारे में हम बात करें, इसे हाल ही में लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर फॉर माइंस के द्वारा। इस पोर्टल को डिज़ाइन और डेवलप किया गया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर माइंस इन्फॉर्मेटिक्स डिवीज़न के द्वारा, और इसी डिवीज़न के द्वारा इसे ऑपरेट भी किया जाएगा। पर्पस क्या है, क्यों इस पोर्टल को इस्टेब्लिश किया गया है? पर्पस देखो ये है, माइनिंग और मिनरल सेक्टर्स में रिसर्च को प्रमोट करना और इस सेक्टर को और बेहतर ढंग से डेवलप करना। इस पोर्टल पर जाकर विभिन्न जो एंटिटीज़ हैं अपना प्रपोजल सबमिट कर सकती हैं, प्रपोजल की मॉनिटरिंग हो सकती है, और ये भी मॉनिटर किया जा सकता है कि फंड्स को कितना बेहतर ढंग से यूटिलाइज किया जा रहा है। पोर्टल को नीति आयोग के पोर्टल एनजीओ दर्पण के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। आप एक्सेस कर सकते हो इस पोर्टल को research.minds.gov.in पर जाकर। और ये एनजीओ दर्पण पोर्टल क्या है, नीति आयोग का, जिसके साथ ये पोर्टल इंटीग्रेट किया गया है। देखो एनजीओ दर्पण जो पोर्टल है, ये एक प्रकार से इंटरफेस का काम करता है किस किस के बीच में, एक तरफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओस और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज। इस एनजीओ दर्पण पोर्टल को मैनेज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो COVID-19 महामारी के कारण हमारे देश की इकोनॉमी पर काफी ज्यादा प्रतिकूल असर पड़ा है। प्रतिकूल मतलब एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है, खराब इम्पैक्ट पड़ा है। तो अभी एक्सपर्ट्स के द्वारा ये डिबेट की जा रही है कि आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी किस प्रकार से रिकवर करेगी, रिकवरी पाथ क्या हो सकता है। ये देखो हम ग्राफ्स की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले है जेड शेप्ड रिकवरी। एक सेकेंड आप रुकिए। हाँ अब ठीक है। पहले देखो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इस प्रकार से थी, लेकिन जैसे ही महामारी आई एकदम से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो गई। अब सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो ये है, हमने जो ये स्टेप्स लिए हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, आत्मनिर्भर अभियान, और ये महामारी रुक जाए तो एकदम से हमारी इकोनॉमी फिर से उठना स्टार्ट होगी, क्योंकि रिफॉर्म्स लिए हैं इसलिए पहले से भी ज्यादा उठ जाएगी। उसके बाद साइकिल चलते ही हैं इकोनॉमी में, कभी बूम कभी बस्ट, मतलब कभी अप कभी डाउन। तो इवेंचुअली जो शेप होगी वो इस प्रकार से होगी, थोड़ा आगे जाके फिर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट उतनी ही हो जाएगी जितना COVID-19 से पहले थी। अगर ऐसा होता है तो मतलब हमारे देश की इकोनॉमिक रिकवरी जेड शेप्ड रिकवरी है। लेकिन देखो ये तो ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है, और भी काफी सारे सिनेरियोज हैं। वी शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी में क्या होगा, अभी इकोनॉमिक सिचुएशन एकदम से खराब हुई महामारी के कारण, फिर से उठना स्टार्ट होगी जो हमने स्टेप्स लिए हैं, और वैसे ही हो जाएगी कुछ समय के बाद जैसी COVID-19 से पहले थी। अगर ऐसा होता है तो ये होगा वी शेप्ड रिकवरी। उसके बाद है यू शेप्ड रिकवरी। फर्क क्या है वी शेप्ड और यू शेप्ड में, आपने यहां पर देखा होगा वी शेप्ड रिकवरी में एकदम से रिकवरी स्टार्ट हो गई सडन, लेकिन यू शेप्ड रिकवरी में रिकवरी धीरे धीरे हो रही है। ये देखो काफी समय लग रहा है, ये बहुत सारा टाइम चला जाएगा तब जाके इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ठीक वैसी होगी जैसा COVID-19 से पहले थी। ये डिफरेंस है वी शेप में और यू शेप में। वी शेप में एकदम से रिकवरी हो गई कम समय में, लेकिन यू शेप में टाइम बहुत लगा है। उसके बाद दो तीन सिनेरियो और भी हैं, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी में क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन एकदम से खराब हुई महामारी की वजह से, फिर ठीक होना स्टार्ट होगी, लेकिन सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक आ जाएगा, मतलब ये महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, दूसरी वेव भी आ जाएगी। दूसरी वेव आएगी तो एकदम फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर से लॉकडाउन लगेगा, फिर से इंप्रूव होनी स्टार्ट होगी। ये होगा डब्ल्यू शेप्ड कर्व। और सबसे लास्ट में है एल शेप्ड रिकवरी। बस ये नहीं होना चाहिए,
ये तो घटिया है, मतलब एकदम से खराब हुई सिचुएशन और फिर इकोनॉमी रिकवरी ना कर पाई। मतलब जितना कोविड-19 से पहले सिनेरियो था वो हो ही ना पाए, हमारी इकोनॉमी का साइज ही श्रिंक हो जाए। तो किसी भी कीमत पे ये नहीं होनी चाहिए हमारे देश का इकोनॉमी की रिकवरी। अच्छा ये होगा कि जेड शेप रिकवरी हो, एकदम से रिकवरी हो और फिर बेशक थोड़ा सा डाउन आ जाए और हम उसी सिचुएशन पे आ जाएं जैसा कोविड-19 से पहले थे, या फिर वी शेप रिकवरी हमारे देश की इकोनॉमी की हो तो भी अच्छा है। खैर चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन कलर बैंड फॉर BS6 4W व्हीकल्स के बारे में है। BS का मतलब है यहाँ पर भारत स्टेज। देखो ये जो भारत स्टेज नॉर्म्स हैं ये सरकार सबसे। नेक्स्ट आर्टिकल स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में है। UPSC देखो ये तो नहीं पूछेगी कि हमारे देश का स्टैटिस्टिक्स डे कब होता है, 29 जून को, लेकिन हाँ ये पूछ सकती है कि किसकी याद में हम हर साल स्टैटिस्टिक्स डे बनाते हैं। देखो लेट प्रोफेसर प्रशांता चंद्रा महलनोबिस, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा स्टैटिस्टिक्स सिस्टम और इकोनॉमिक प्लानिंग की फील्ड में, उसी की ऑब्जर्वेंस में 29 जून का जो दिन है वो बनाया जाता है स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। इस बार की थीम थी SDG 3, इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, एंड SDG 5, अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड इम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। देखो PC महलनोबिस की हम बात करें, इन्होंने कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया स्टैटिस्टिक्स के लिए। इनको इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम का चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल साइंस का भी इन्हें फादर माना जाता है। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी 1931 में कोलकाता में। इस इंस्टीट्यूट ने बाद में एक जर्नल स्टार्ट किया जिसका नाम था संख्या। बाद में 1959 में इस इंस्टीट्यूट को एक ऑटोनोमस बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। इवन देखो CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, NSS यानी नेशनल सैंपल सर्वे, और सबसे लास्ट में ASI यानी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इनके इस्टाब्लिश होने में भी मदद की गई थी PC महलनोबिस के द्वारा। इन्होंने तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स दिए जो कि सैंपल सर्वे में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पायलट सर्वेस, ऑप्टिमम सर्वे डिज़ाइन एंड इंटर पेनिट्रेटिंग नेटवर्क ऑफ सब सैंपल्स टेक्निक यानी IPNS। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस सब कमीशन ऑन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया। नेक्स्ट आर्टिकल वेस्टिंग फोर्सेस एग्रीमेंट के बारे में है। ये क्या होता है, बेसिक्स की बात पहले करते हैं। देखो मान लीजिए दो देश हैं ए और बी, इन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट साइन होता है और एग्रीमेंट के तहत ए देश की आर्मी जो है वो बी देश में जाती है। तो ए देश की आर्मी जब बी देश में जाएगी तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे, लीगल स्टेटस क्या होगा, गाइडलाइंस क्या होंगी, ये सब चीज़ें डिफाइन होती हैं इस वेस्टिंग फोर्सेस एग्रीमेंट में। मान लीजिए USA और फिलीपींस के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो USA की मिलिट्री जब फिलीपींस में जाएगी वहाँ पे ऑपरेट होंगी तो किस प्रकार से उनके द्वारा बिहेव किया जाएगा, कौन से रूल्स को फॉलो किया जाएगा, क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या लीगल स्टेटस होगा, ये सब चीज़ें डिफाइंड हैं वेस्टिंग फोर्सेस एग्रीमेंट में। लेकिन हमने सिर्फ एग्जाम्पल डिस्कस किया यूएसए और फिलीपींस का। ये तो देखो किन्हीं भी देशों के बीच साइन हो सकता है। अभी हुआ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस ने यूएसए के साथ ये वेस्टिंग फोर्सेस एग्रीमेंट साइन किया था 1988 में। तो इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद यूएसए की आर्मी कभी भी आ सकती थी फिलीपींस में। वीज़ा संबंधित नॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा आसान थे, लेकिन देखो पिछले 10 सालों में, या फिर आप कह सकते हो स्पेसिफिकली पिछले 6-7 साल में, जब से ये फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं रोड्रिगो, फिलीपींस चाइना के काफ़ी करीब चला गया है। तो फिलीपींस में मांगे उठ रही थी कि यूएसए के साथ ये जो एग्रीमेंट पहले साइन हुआ था वेस्टिंग फोर्सेस एग्रीमेंट, इसे कैंसिल किया जाए।
इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए 180 दिनों का नोटिस देना पड़ता है, और इस साल के शुरुआत में यानी फरवरी में फिलीपींस के द्वारा ये नोटिस दे दिया गया था यूएसए को कि भैया हम आपके साथ ये विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट साइन जो हुआ था इसे कैंसिल करना चाहते हैं। लेकिन देखो, अब फिलीपींस ने ये फैसला लिया है कि सिचुएशन बदल चुकी है, इसलिए हम फिलहाल इस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। मतलब यूएसए ने राहत की सांस ली है। यूएसए का कहना है कि फिलीपींस का डिसीजन अच्छा है, जब तक ये एग्रीमेंट रहेगा फिलीपींस में यूएसए की मिलिट्री आसानी से आ सकेगी, ऑपरेट कर सकेगी। फ़ायदा क्या होता है इससे यूएसए को? फ़ायदा देखो सीधा सीधा हो सकता है, क्योंकि चाइना को कंटेन करना चाहता है यूएसए, तो चाइना के आसपास देशों में अगर यूएसए के बेस होंगे या फिर यूएसए के पास ऑपरेशंस की आज़ादी होगी तो चाइना के ऊपर ज़्यादा दबाव बनाया जा सकेगा, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो चाइना को बेहतर ढंग से काउंटर किया जा सकता है। युद्ध तो देखो संभावना फिलहाल काफ़ी कम है, लेकिन अगर होता भी है तो लोकेशंस अच्छी होंगी यूएसए के पास लड़ाई लड़ने के लिए। ये फिलीपींस है, यहाँ पर चाइना है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट। ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट अफर्म करता है 1951 की म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी को, इसके साथ साथ 2014 की इनहेंस डिफेंस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट को। नहीं, ये कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? जो हमारे स्टेट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वी मुरलीधरन, इन्होंने विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया एक वर्चुअल इवेंट के थ्रू। ये वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज हुई थी न्यूयॉर्क में। ये देखो पहली योगा यूनिवर्सिटी है जो इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश हुई है। कहाँ पर? लॉस एंजल्स में, जो हमारा अभी 21 जून को छठा इंटरनेशनल योग डे था, उस दौरान उस दिन इसे लॉन्च किया गया। यूनिवर्सिटी देखो एक ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम ऑफर करेगी योगा में, और यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होगी अगस्त 2020 से। कहाँ से फैकल्टी को रिक्रूट किया गया है? स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान से फैकल्टी को रिक्रूट किया गया है इस यूनिवर्सिटी के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वीट प्रोडक्शन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? 2020 में पंजाब को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जो नेशनल पूल में सबसे ज़्यादा वीट कंट्रीब्यूट करता है। देखो हर साल FCI समेत दूसरी एजेंसीज के द्वारा किसानों से वीट को प्रोक्योर किया जाता है, तो जिस राज्य से सबसे ज़्यादा वीट प्रोक्योर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले पंजाब नेशनल पूल में सबसे ज़्यादा वीट कंट्रीब्यूट किया करता था, लेकिन इस साल मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है और ऐसा राज्य बन गया है जो सबसे ज़्यादा वीट कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल पूल में। देखो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी के मामले में अभी भी पंजाब MP से काफ़ी आगे है, लेकिन MP में एरिया ज़्यादा है ना। मतलब मध्य प्रदेश का एरिया पंजाब के एरिया के अपेक्षाकृत ज़्यादा है। हमारे देश में टोटल जो वीट का कल्टीवेटेड एरिया है उसमें से 31% मध्य प्रदेश में है और 10.6% पंजाब में है। तो ये हमने वीट प्रोडक्शन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में है। हर साल 5 जून को ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या थी इस बार? इस बार की थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। होस्ट कंट्री कौन था? कोलंबिया, जिसने जर्मनी के साथ पार्टनरशिप में ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होस्ट किया। क्वेश्चन किस पे बनता है? देखो UPSC इस प्रकार के क्वेश्चन रेयरली पूछती है या फिर नहीं पूछती है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जुलाई, 5 जून, इस प्रकार के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से तो नहीं पूछे जा रहे हैं। हाँ, इतना पूछा जा सकता है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी इस डे को ऑब्जर्व करने की। 1972 में ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी। तब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में
एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था और तब से लेकर अभी तक हर साल ये 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है। मकसद होता है इन्वायरमेंट के बारे में जागरूकता पैदा करना, लोगों को एंकरेज करना, प्रेरित करना कि आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाइए। चलते हैं आगे। सेलिब्रेट होता है, हालांकि यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपरली ऑफिशियली ये 2008 से रिकॉग्नाइज हो पाया है कि हाँ हम 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे की तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। इसमें वही ओशियन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग कंजर्व करने की बात करते हैं। इस बार का जो थीम रहा है 8 जून के इस वर्ल्ड ओशियन डे का, वो है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। अगला आर्टिकल हमारा नई मिशा 2020 से रिलेटेड है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक सब्सिडरी ऑफिस है, उसने 8 जून 2020 से लेके 3 जुलाई 2020 तक एक समर आर्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की बात की है, जिसका नाम है नई मिशा 2020। इसके अंदर जितने भी आर्ट एंथुसियास्ट हैं, मतलब वो लोग जो कि आर्ट के प्रेमी हैं, कला में उनकी रुचि है, वो लोग जो आज के अभी के प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट्स हैं, उनके द्वारा बनाए गए कुछ ऑनलाइन वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे और वो लोग इन्हीं लोगों से पेंटिंग करना सीखेंगे, स्कल्पचर बनाना सीखेंगे या फिर प्रिंट मेकिंग जैसे कामों को सीखेंगे। इसमें एक इंटरडिसिप्लिनरी क्रिएटिव वर्कशॉप भी है जिसका नाम इंद्रजाल है। इस पूरे वर्कशॉप के अंदर में जितने भी आर्ट वर्क सेलेक्ट किए जाएंगे उनको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA का एक कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सोहम, इसके ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा। सोहम अपने आप में बहुत सारी चीजों को एन्यूमरेट करता है। ये फिलहाल अगर हम इस पर्टिकुलर वर्ड की बात करें तो ये हमारे वैदिक फिलॉसफी से लिया गया है। बहुत सारे उपनिषदों में या फिर स्त्रोतों में आप सोहम शब्द का उपयोग देखेंगे। सोहम का मतलब होता है, इसको अगर संधि विच्छेद करें, सह और अहम, मतलब कि आपके अंदर जो पूरा यूनिवर्स है या फिर आपसे पूरा का पूरा यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड है, इस बात को दर्शाता है। सोहम जो है वो इंडिया का पहला कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि NGMA के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका बेसिक मकसद ही यही है कि जितने भी ऐसे आर्ट एंथुसियास्ट होते हैं या फिर जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जिससे कि हम लोग उनकी रुचि को बरकरार रखते हुए उनको कुछ अच्छा सिखा सकें। NGMA की अगर हम बात करें, नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट, तो ये 1954 में स्टैब्लिश किया गया था जयपुर हाउस के अंदर में। इसके दो ब्रांचेस हैं, एक मुंबई और एक बैंगलोर में है। बेसिक काम इसका यही है कि हम लोग 1850 के बाद से जितने भी मॉडर्न आर्ट के अलग अलग काम हैं, अलग अलग आर्ट वर्क्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रखें अपने पास। अगला आर्टिकल हमारा आदित्य से रिलेटेड है, जो कि एक सोलर पावर्ड फेरी है और इसको गुस्टाव ट्रू अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये फेरी का मतलब होता है एक ऐसा छोटा सा बोट जिसमें कुछ पैसेंजर्स को हम लोग रखकर एक जगह से दूसरे जगह पर इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये अपने आप में एक इलेक्ट्रिक फेरी बोट है जिसको केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये दिन भर में कम से कम ऐसा 22 चक्कर लगाता है और एक चक्कर में लगभग 70-75 पैसेंजर्स को अपने साथ लेके जाता है। लागत इसके जो पूरे दिन में ऑपरेट करने की होती है वो मुश्किल से 180 रुपए के आसपास आती है। अगर यहीं पे अगर हम इस सोलर इलेक्ट्रिक फेरी की जगह नॉर्मल डीजल फेरी रखते तो इसके ऑपरेशन की कीमत कम से कम 8000 रुपए तक पहुंच जाती। अब आप ये समझिए कि 8000 का काम एक तो ये 180 रुपए में कर रहा है और दूसरी बात कि ये जीरो पॉल्यूशन फेरी है, मतलब कि ये एनवायरमेंट को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचा रहा है। तो अभी तक इसने अपने पूरे ड्यूरेशन में 11 लाख पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया है और लगभग 70,000 किलोमीटर से भी ज्यादा यात्रा कर ली है। तो इसीलिए ये अपने इन्हीं यूनिक क्वालिटीज के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। बात करें अगर गुस्टाव ट्रोव के बारे में, तो गुस्टाव ट्रोव एक फ्रेंच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिसका रुझान इलेक्ट्रिकल कार और बोट्स के क्षेत्र में था। इनके द्वारा क्या हुआ कि ये लगभग अपने नाम में 75 पेटेंट्स करा चुके थे इसी कार और बोट के क्षेत्र में। इनको खूब सारे अवार्ड भी मिले थे और इन्हीं को सम्मानित करने के लिए हर साल ऐसे गुस्टाव ट्रोव अवार्ड दिया जाता है। इस बार आदित्य को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है इसके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल, अमेरी आइस शेल्फ। NCPOR यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने यह कहा है 2021 आने तक 24% इंक्रीज देखने को मिलेगा AIS बाउंड्रीज पर।
AIS क्या है मैं बताता हूं आपको. सी मैं IAS नहीं कह रहा हूं, AIS कह रहा हूं. एमेरी आइस शेल्फ एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है जिसका ड्रेनेज बेसिन बहुत बड़ा होता है. ये आपको अंटार्कटिका के ईस्ट कोस्ट पर मिलेगा. AIS डायनेमिक है और बार बार बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हर दिन नया चेंज देखने को मिलता है. तो ये जो डायनेमिक चेंजेस है वो क्लाइमेट के हिसाब से होते हैं. यहाँ पर ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन के जो फेनोमेनन है वो देखने को मिलते हैं और ये हेल्प भी करेगा हमारे क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए. और आपको पता ही होगा जब डीग्लेशिएशन होता है, जब जब ये आइस के बड़े बड़े कवर्स जो होते हैं जिसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं, जब वो पिघलती है, डीग्लेशिएशन प्रोसेस जो होता है, उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से बढ़ रही है, सी लेवल किस तरह से इंक्रीज होगा, फ्लड्स किस तरह से आएंगे. ये सारे प्रोसेस को स्टडी करने में मदद करता है क्या, एमेरी आइस शेल्फ. NCPOR मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आती है जो कि लोकेटेड है गोवा में और ये इंडिया की प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिसर्च एक्टिविटीज इन पोलार एंड साउथर्न ओशन रीम्स को स्टडी करना. नेक्स्ट आर्टिकल गोल, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम है ये एक. इसको स्टार्ट किया है FB के द्वारा, फेसबुक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दोनों ने मिलकर एक जॉइंट इनिशिएटिव लिया है जिसमें ट्राइबल यूथ जो होते हैं उनको डिजिटल मोड सिखाया जाएगा और मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी जिससे वो लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को, समझने को और यूज़ करने को मिलेगी. ये प्रोग्राम का होल मकसद यही है कि 5000 ट्राइबल यूथ्स को हम अपस्किल्स करें और एम्पावर करें. सो दैट देखिए आजकल क्या हो गई, हर चीज़ बिजनेस ले लें आप, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट ले लें, किस तरह से रन हो रही है वो डिजिटल मोड पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे रन हो रही है. तो इसका मतलब ये है कि एक तो वो लोग हैं जो एजुकेटेड है और बहुत ज़्यादा डिजिटली कनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड के साथ और दूसरे वो भी हैं जो डिजिटली कनेक्ट नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि डिजिटलाइजेशन क्या होता है. एंड इनफैक्ट ट्राइबल्स को, बहुत सारे ट्राइबल्स को इंटरनेट क्या है वो भी नहीं पता होता. तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और फेसबुक के द्वारा कि हम लोगों को एजुकेट करें, ट्राइबल्स को एजुकेट करें. ये गोल का प्रोग्राम है. नेक्स्ट आर्टिकल, वेनुसियन एटमॉस्फेयर रोटेट्स फास्टर देन द प्लैनेट इटसेल्फ. देखिए हाँ, मैं विनस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. विनस 243 डेज लेता है अर्थ के रोटेट करने में ऑन इट्स ओन एक्सिस. ये एक स्टडी जिसमें ये बताया गया है कि विनस के रोटेट जो डेज होते हैं वो 243 है अर्थ के डेज के हिसाब से, लेकिन वीनस का एटमॉस्फियर जो है वो 60 टाइम्स, 60 गुना ज्यादा वेस्टवर्ड की तरफ रोटेट करता है जो कि 60 टाइम्स फास्टर है इसके प्लानिटरी रोटेशन से. ये फेनोमेना को कहते हैं हम सुपर रोटेशन. इसको डिस्कवर किया गया था 1960s में ही. वीनस का एटमॉस्फियर जो है थिक है और फुल ऑफ क्लाउड्स है ऑफ सल्फरिक एसिड जिसकी वजह से वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट का दर्जा मिलता है सोलर सिस्टम में और सन की जो हीट है प्लैनेट को डीएसआई पे पड़ती है क्रिएटिंग एटमॉस्फियर टाइडल वेव्स जिसकी वजह से टाइडल वेव्स देखने को मिलेंगे ये प्लैनेट में. क्यों? क्योंकि देखिए टेम्परेचर डिफरेंसेस जब भी होता है तो क्या होगा, टाइडल वेव्स मिलेंगे. ये जो थर्मल टाइड्स है वो ज़्यादा मदद करेंगे प्लैनेट को रोटेट करने में फास्टली, क्विकली. नेक्स्ट आर्टिकल, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स. ये क्रिएट किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कि कौन सी कंट्री ने किस तरह के स्ट्रिक्टली तौर पर लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया है, किस तरह के स्टेजेस में, ये स्टडी की गई है और उसके बाद में एक इंडेक्स रैंकिंग प्रोवाइड की गई है. देखिए ये जो लॉकडाउन था वो थोड़े पैरामीटर्स पे बेस्ड था, 9 रिस्पॉन्स इंडिकेटर्स पर ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया, जैसा कि स्कूल क्लोजर्स कैसे होंगे, वर्क प्लेस क्लोजर्स किस तरह से करे जाएंगे, किस फेसेस में होंगे और ट्रैवल्स पे किस तरह से बैन किया जाएगा,
क्या सिर्फ डोमेस्टिक बैन होगा या इंटरनेशनल भी बैन होगा, या सिर्फ पैसेंजर फ्लाइट्स बैन होंगे या कार्गो फ्लाइट्स भी बैन होंगे। इस तरह से ये इंटेलिजेंटली इस चीज़ों को स्टडी किया गया और हर फेस में अलग अलग तरह के लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया गया, जो रीस्केल किया जाता है वैल्यू 0 to 100 के बेसिस पर। जो ज़्यादा नंबर होगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टेस्ट रिस्पॉन्स होगा, एंड अकॉर्डिंग टू इट, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंडिया हैड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉकडाउन मेजर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया कॉल्ड इट्स स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एट ए मच अर्लियर पॉइंट ऑन इट्स केस एंड डेथ कर्व्स। देखिए ये कह रही है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, क्योंकि पता ही है हमें कि चाइना इफेक्ट हो रहा है, यूरोप इफेक्ट हो रहा है, अमेरिका इफेक्ट हो रहा है। जब इंडिया की बारी आई, इंडिया ने पूरा लॉकडाउन कर दिया। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा सा समय मिला कि लॉकडाउन को, मतलब ये केसेस को स्टडी करने के लिए, पैंडमिक को स्टडी करने के लिए और लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये एक वजह है जिसकी वजह से इंडिया का लॉकडाउन जो है वो स्ट्रिक्ट था और स्ट्रॉन्ग भी था। कंप्लीटली कर्फ्यू इम्पोज किया गया था, थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स पर कंप्लीटली लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, इन्होंने लॉन्च किया है PAI, पाई। अब ये पाई क्या है देखते हैं। पाई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि चैटबॉट है। चैटबॉट इसीलिए क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करना है NPCI के रिलेटेड, जो भी चीज़ें रन हो रही है उसके सेक्टर में आपको अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी ये चैटबॉट के द्वारा। अब ये NPCI में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आपका फास्टैग हो गया। जब आप जाओगे टोल गेट में, जब आप हाईवे पे जाओगे आपको टोल गेट मिलेगा, ये टोल गेट पे आपको चार्जेस पे करना होगा। तो वहाँ पे वेट नहीं करना आने के लिए, जल्द से जल्द आपको आगे बढ़ाने के लिए फास्टैग लाया गया था। ये किसने लाया? NPCI ने लाया। फिर आप जो आपके डेबिट कार्ड्स देखते हो उस पर रुपए जो है वो भी NPCI का प्रोडक्ट है। जो इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, मोबाइल बैंकिंग जिसे कहते हैं हम, वो UPI, ये भी NPCI का प्रोडक्ट है। देन आता है आपका AEPS, हाँ ये भी जो रियल टाइम बेसिस है, ये भी NPCI का प्रोडक्ट है। इसको डेवलप किया गया थे बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड। NPCI एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स। जितने भी रिटेल पेमेंट्स होंगे इसके दायरे में, इसके रडार के अंदर होंगे। सेटलमेंट सिस्टम्स जो भी होंगे इंडिया में, इसके रडार के अंदर होंगे, इसके अम्ब्रेला के अंदर होंगे। ये इनिशिएटिव लिया गया था RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।